नमस्कार युवा साथियों, भारत पर जब जब कोई भी मुश्किल की घड़ी आई है तो हर एक भारतीय ने उसके खिलाफ एक योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी है। आज जब पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कोरोना को हराने के लिए जंग छेड़ रखी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता तन मन धन से लोगों की सहायता कर रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी सहायता कर रहे हैं। मेरी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो कुछ बातों पे विशेष ध्यान रखें। एक, जैसा कि नड्डा जी ने कहा है, हर रोज हर एक एक युवा मोर्चा का कार्यकर्ता कम से कम 5 गरीब लोगों को खाना खिलाए। दो, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ये ध्यान रखे कि जब तक जरूरी ना हो तो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, और अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो विनम्रता से उनको इसका महत्व समझाए और उनको अनुरोध करे वो घर में ही रहे। तीन, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लोगों के आवश्यक कार्यों में, जैसे कि किराने का सामान, दूध, सब्जियां, दवाइयां, इन सब में जितनी हो सके उतनी सहायता करे ताकि लोग कम से कम घरों से बाहर निकले। चार, युवा मोर्चा एक मंडल स्तर पर हेल्पलाइन नंबर शुरू करे ताकि भोजन, दवाइयां, सीनियर सिटीजन की गर्भवती महिलाएं हो, हमारे दिव्यांग साथी हो, उनको कुछ भी लगे तो ये हेल्पलाइन नंबर उनको मदद करे। पांच, आवश्यक सेवाओं में लगे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस, बैंक के कर्मी, इन सबको हर संभव सहायता करे। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर शीघ्र ही कोरोना को हरा देंगे और भारत को फिर से जिताएंगे। धन्यवाद।